और अब जानते हैं गोहाना में क्या हाल है। तो गोहाना में लॉकडाउन के बाद असर दिखना शुरू हो गया है। प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन करने लगे हैं, जहां सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में मजदूर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए और मजदूरों को पिछले साल की तरह पैदल जाने का डर सता रहा है और इसलिए मजदूरों ने अब पलायन करना शुरू कर दिया। प्रदेश सरकार ने पहले वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके बाद सोमवार को वीकेंड लॉकडाउन समाप्त होने से पहले ही प्रदेश की सरकार ने 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी और संपूर्ण लॉकडाउन के पहले दिन सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर मजदूरों का पलायन देखा गया, जहां भिवानी, राई, कुंडली समेत अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर अपने परिवारों के संग अपना सामान लेकर अपने गाँव की तरफ जाना शुरू हो गए। लाचार जिंदगी और कोरोना का डर उन्हें अपने घर जाने को मजबूर कर रहा है और ये डर जायज भी है, क्योंकि पिछले साल का लॉकडाउन याद कर आज भी मजदूर रोने जैसे हालात महसूस करते हैं। लॉकडाउन लग रहा तो इसलिए अब निकल रहे हैं जल्दी से, ना फिर लग जाएगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी। यहाँ से नीचे पैदल गए थे, उस बार बहुत परेशानी आई थी, तो इसलिए इस बारे हम लॉकडाउन के पहले ही पहले निकल रहे हैं। अब लॉकडाउन लग गया 7 दिन का, अभी इसलिए दिक्कत आ रही है, खतरा है कि इसलिए अब लगता है कि खतरा भी हो सकता है, इसलिए हम निकल रहे हैं। मजदूरों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि सरकार ने कहा था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में अब सरकार की बातों से भरोसा उठ गया है, क्या पता सरकार इसे और आगे बढ़ा दे, और अगर ऐसा हुआ तो उनके परिवार के सदस्यों पर काफी परेशानी का बोझ पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते लॉकडाउन के पहले दिन ही मजदूर अलग अलग माध्यमों से पलायन करते हुए नजर आए। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।